हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने के लिए जा रहे हैं एक हिसाब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में शॉर्टकट भी ट्रिक को बताएंगे जो कि बहुत बड़े हिसाब को हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए चलते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिसके कारण से और अधिक मोटिवेट हो सके, जिसके कारण से और अच्छी तरीका से वीडियो को हम बना सकें। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, तीन क्रमागत या क्रमिक लगातार विषम संख्या या कोई भी संख्या का योगफल जो है तीन, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, विषम संख्या का योग जो दिया गया 51 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है कि तीन क्रमागत संख्या का योग कितना दिया गया है? 51 दिया गया। तो हमको इसमें से बड़ी संख्या को चयन करना है या बड़ी संख्या को क्या करना है, खोजना है। तो सबसे पहले याद रखने योग्य है कि विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्या ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो होता है रेशनल नंबर बोलते हैं, वह 1, 2, 3 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। सम संख्या के बारे में बोलेंगे तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से बढ़ता है और विषम संख्या जो होता है 2, 3, 5, 7 इत्यादि इस तरह से बढ़ता है। इसमें दो का अंतराल होता है। तो जैसे नोट में लिखा दिए कि अगर विषम संख्या यह प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या यह प्राकृतिक संख्या, यह कोई भी संख्या को, किसी भी संख्या को वह क्रम से जो बढ़ता है, यह क्रमिक होता है, लगातार जो होता है वह 1, 2, 3, 4 से ही बढ़ता है। एक जैसे 5 है तो 5 में 1 जोड़ दिए, 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ दिए, 7, इस प्रकार से क्रमिक या लगातार यह क्रमागत संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी संख्या को हम सम संख्या मान लेते हैं, मानते हैं एक संख्या को, वह पहला क्रमागत संख्या जो है x है। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर एगो x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 होगा, हमेशा याद रखना है, x+1। तीसरा क्या हो जाएगा, x+2, मतलब कि एक के बाद एक जो है बढ़ते जाएगा। तो तीनों संख्या का योग पूछता है, प्रश्न के अनुसार से तीनों संख्याओं का योग जैसे लिख दिए यहाँ पे इस प्रकार से, x+x+1 x+2 = 51। अब ये संख्या को, तीनों संख्या को x वाला को जोड़ते हैं, 1x 2x 3x 3x हो गया, उसके बाद 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस में कर दिए। अब इसमें करते हैं क्या है कि इसको 3 को उस साइड भेज देते हैं, समीकरण बन गया तो हल करेंगे ना, तो समीकरण बन गया तो हल करेंगे, तो ये 3 प्लस में है, इधर जा आ करके बराबर के उस साइड आ करके माइनस में हो जाएगा। ठीक, 51 में 3 घट गया, कितना बच गया, 48। अब इधर क्या बचा है, 3x को इसको कटा दिए 3 से, 3 16 48 हो गया, x = 16 हो गया। अब x किसके, किसको माने थे, प्रथम संख्या को, तो प्रथम संख्या x हो गया। दूसरी संख्या क्या हो गया, x+1, मतलब कि एक अधिक होगा, तो x का मान 16 + 1 लिख दिए, 17 हो गया दूसरी संख्या, और पहली संख्या 16 हो गया, और तीसरी संख्या जो ज्ञात करेंगे तो x+2 माने थे, इसमें x में x के जगह पे 16 में 2 जोड़ दिए, 18 हो गया। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन आया, 18 हुआ। आंसर तो पूर गया, लेकिन इसको, ये हिसाब को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक पे बनाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक पे जो है, ये तीन संख्या बोलता है ना, तो तीन संख्या का योग कितना दिया गया है, 51। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 51/3 लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं कि 3 51 से कितना मर्तब में कटता है, तो 16 मर्तब में, तो 16 पहली संख्या निकल गया, उसके बाद जो बढ़ाएंगे तो 16 1 17, 1 बढ़ा देंगे, 1 प्लस कर देंगे, फिर 1 प्लस कर देंगे, 18 हो जाएगा, 17 1 18, इस प्रकार से जो संख्या, तीनों संख्या निकल गया, इसमें भी बड़ी संख्या और इसमें भी बड़ी संख्या निकल गया। इस प्रकार से हम बहुत से हिसाब को हल कर सकते हैं, 1 से 5 तक की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं लगातार, 1 से 6 तक की। अगले वीडियो में हम बताएंगे सम संख्या के बारे में।